नमस्कार, अजैस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा। अजैस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 24 सितंबर और वार है मंगलवार। शो में हम बात करेंगे चाय के उत्पादन के बारे में, जहाँ श्रीलंका में इस बार चाय का उत्पादन निचले स्तर पर होने की आशंकाएँ आ रही हैं। श्रीलंका में इस साल चाय का उत्पादन हाल ही के सालों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर होने की आशंका है। प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सिलोन यानी कि PA के अनुसार उत्पादन 30 करोड़ किलोग्राम के लक्ष्य की तुलना में काफ़ी नीचा होने का डर बना हुआ है। एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन सुनील पोहलिया योडू ने चेतावनी दी है कि इस साल 2024 में श्रीलंका में चाय का उत्पादन गिरता हुआ 25 करोड़ किलोग्राम से भी नीचा हो सकता है। साल 2022 में भी चाय का उत्पादन दशकों के निचले स्तर पर यानी 25.15 करोड़ किलोग्राम हुआ था। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि रासायनिक उर्वरकों व एग्रोकेमिकल्स के पर संक्षिप्त प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि सीजन 2023 में चाय का उत्पादन थोड़ा बढ़कर 25.604 करोड़ किलोग्राम हुआ था। हालांकि इस साल इस पर दबाव बना हुआ है। नवनिर्वाचित चेयरमैन ने कहा है कि मुझे शक है कि इस साल श्रीलंका का चाय का उत्पादन 25 करोड़ किलोग्राम के स्तर छू पाएगा। हालांकि सीजन के आरंभ में हमें इसका 30 करोड़ किलोग्राम से भी अधिक उत्पादन होने की आशंकाएं थी, उम्मीद थी। उन्होंने ये जानकारी यहां पर आयोजित हुई एसोसिएशन की 170वीं AGM के दौरान दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाय उद्योग साल 1922 के बाद से अपने 50% श्रमिकों को खो चुका है। उत्पादन आंकड़ों में गिरावट आने के लिए ये प्रमुख कारकों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बदलाव के विरोधी संस्कृति की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पर ये भी मानना है कि हम टेक्नोलॉजी के और अधिक पास हैं। यांत्रिकीकरण राहत प्रदान कर सकता है, विशेषकर हमारी घटती जा रही श्रमिक ताकत के मोर्चे पर। साल 1922 के बाद से हम अपनी 50% श्रमिक ताकत को खो चुके हैं। इसका हमारे उत्पादन आंकड़े पर असर भी नजर आ रहा है। दोस्तों, अजस्ट मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज में काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप माइटी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।